कानपुर नगर महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव केंद्रीय मेला कमेटी मोती झील कानपुर नगर के तत्वावधान में विश्व को करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले सम्यक सम्मभुक् तथागत बुद्ध के त्रिविध पावन पूर्णिमा पर्व के 2567वें जन्मोत्सव पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उक्त कार्यक्रम में शामिल वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने कहा कि इस कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों को भगवान गौतम बुद्ध को अपना आदर्श मानते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए हम सभी को उनके बताए मार्ग पर चलकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि सबसे पहले हमें आडंबर से दूर रहना चाहिए। कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों ने बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने की शपथ ली। साथ ही सभी आए हुए सभी सम्मानित साथियों ने आगामी निकाय चुनाव में शामिल होने हेतु दिनांक 11 मई 2023 को शत प्रतिशत मतदान करने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रकाश हजारिया, रामजियावन सागर, अरुण समुंदे, मुन्ना हजारिया, सुरेश भारती, अशोक भारती, माता प्रसाद, प्रेमा देवी, मुन्ना पहलवान, श्रीकांत, विमला देवी, प्रतिभा चौधरी, गुड़ियाचक, पप्पू सागर, डी सुमन आदि उपस्थित रहे। देखिए ये रिपोर्ट। मैं अरुण समुद्रे महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव केंद्रीय मेला कमेटी का महामंत्री हूँ। आज का कार्यक्रम भगवान बुद्ध जी का मनाया गया है, क्या कहना चाहिए आपको समाज के बारे में? आज के समाज के बारे में विस्तार से हमारे मामा जी ने बता दिया है और मैं आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपनी मेला कमेटी की ओर से और अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। मैं मुन्ना हजारिया महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव केंद्रीय मेला कमेटी का संचालक और मीडिया प्रभारी। आज पूरे विश्व के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है, गौरव का भी दिन है। यहाँ तथागत भगवान बुद्ध की जयंती है, 2567 जयंती है। उनको हम पूरा देश, हमारा शहर, पूरा प्रदेश, खासकर मेला कमेटी गत वर्ष के बाद इस वर्ष भी बड़े उल्लास से मना रही है। ये ऐसे भगवान की है जिन्होंने हमेशा समता, बंधुत्व और न्याय के लिए संदेश दिया है। मानव एक समान का संदेश देते हैं तथा कुछ भगवान का आज सबसे बड़ा सौभाग्य के दिन आपको मैं बता दूं चैनल के माध्यम से। आज के दिन ही उन्होंने शिक्षा नीति ज्ञान की और आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था और उससे भी बड़ी बात है कि आज ही के दिन उनको परिनिर्वाण दिवस हुआ। विश्व में शायद ही कोई ऐसा महापुरुष महानुभाव हो जो एक ही दिन दीक्षा ले, एक ही दिन शिक्षा ले, एक ही दिन जन्म ले और एक ही दिन मृत हो जाए। मैं ऐसे तथागत भगवान बुद्ध के चरणों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और साथ ही एक अपील करता हूँ जो उनके बताए हुए रास्ते के आडम्बर से दूर हो। भगवान बुद्ध हमेशा आडम्बर से दूर रहने की शिक्षा देते रहे सभी साथियों को और खासकर आपके चैनल को जो हमारे कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाते हैं। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को बनाने के लिए आप लोगों ने जो मेहनत हमारा सहयोग किया है, आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। मेला कमेटी के परिवार की ओर से मैं अपने मेला कमेटी के परिवार सदस्यों को, पदाधिकारी, अध्यक्ष, महामंत्री, मेला कमेटी की महिला प्रकोष्ठ को, जो भी हमारे साथी हैं, इन सभी को धन्यवाद। साथ ही आज जो हमें गौरव होगा आज की पिछली बार की अपेक्षा जो हमारे अध्यक्ष की श्री राम जीवन जी, महामंत्री अरुण समुद्रे जी और इस मेला कमेटी की जो रीढ़ है आदरणीय बड़े भाई प्रकाश हजारिया, मुन्ना पहलवान, डीडी सुमन, इन अथक प्रयासों से जो हमारा मेला कमेटी का संदेश जन जन तक जा रहा है, हम उनके लिए आदर्श नहीं रहेंगे और उनके निश्चित उनके पद चिन्हों पर चलकर अपने अपना जीवन और अपने कमेटी के लिए ऊँचाइयों तक पहुँचाऊंगा।